हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो हम लोग सोकर उठ चुके हैं और आज है जी इस प्यारे से बच्चे की बर्थडे है। आज 18 जून है, हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है आज का। और आज के दिन ये प्यारा सा बच्चा आया था हमारी जिंदगी में, तो आज इसकी बर्थडे है। लेकिन बर्थडे बहुत ही एक अलग तरीके से होगी इस बार, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, कोई केक कटिंग नहीं होगी, तो एक होगी। हाँ, केक कटिंग होगी, लेकिन वो वाला केक नहीं कट करेंगे जो ट्रेडिशनल केक होता है। हमने एक डिफरेंट आइडिया सोचा हुआ है, हम वो करेंगे। और हमारी प्लानिंग भी थोड़ी डिफरेंट है इस बार बर्थडे की, तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिन अपने साथ रखूँगी और पूरे दिन का बर्थडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। सबसे पहले यही बच्चा उठा था, इसने मुझे उठाया है, और उसके बाद जी अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके सबको उठाया है। तो मैंने कहा है कि जल्दी उठो, क्योंकि हम लोगों को रेडी भी होना है और हम लोगों को कुकिंग भी करनी है, नाश्ता भी करना है कुकिंग भी करनी है। और उसके बाद जी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा आज का बर्थडे का क्या प्लान है। लेकिन फ़िलहाल मैं और इब्राहिम जा रहे हैं बाहर, ये जा रहा है मामा के साथ किधर, चिकन लेने। मैं और इब्राहिम जा रहे हैं चिकन लेने। अरे सरप्राइज़ था, अभी नहीं बताना था, अभी तो हम जा रहे हैं चिकन ले रहे हैं, ठीक है। मेरी मामा ने तो जी भाई अपना सूट शायद निकाल के पहले रख लिया है, उन्होंने आई थिंक ये वाला पहनना है। और बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। मामा बना रही हैं नाश्ते के लिए रोटियां, इतनी ज्यादा लिए रोटियां, पराठे बनेंगे मामा के, रोटियां। ओके जी, चलो किधर जाना है, चलो हाँ सोच तो रही हूँ, चली जाओ। पैसे दोगी तो जाऊंगी ना, पैसे तो दो भाई। नहीं निकालना इब्राहिम, बस होने वाला है खत्म। चलो जी छोड़ दो, हो गया। ये अंकल को पैसे दे दो, अंकल ये ले पैसे। हाँ पूरे अभी भी देख लो। एक 32 हो गया, 32। हम लोग जी निकल चुके हैं इब्राहिम की बर्थडे के लिए। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, हम स्विमिंग पे लेके जा रहे हैं हम इब्राहिम को। इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे स्विमिंग करने जाना है, स्विमिंग करने जाना है। अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने, ठीक है ना। आर यू हैप्पी? हम लोग भी जा रहे हैं स्विमिंग करने। मैं जाऊंगा। और आज हम पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं और ये कर रही है ड्राइविंग। गाइस मैं ऐसे करूंगा, ये गाड़ी गाइस तेरे को, सुनिया गाड़ी चला रही है, सुनिया मम्मी गाड़ी चला रही है। अरे गाइस सुनिया बोल रही है, मैं ये देखो मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। सो वी फाइनली रीच्ड आर डेस्टिनेशन विच इज़ रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब। और ये था जी सरप्राइज और गिफ्ट कह लें इब्राहिम को, उसकी मामी ने दिया था, सनिया मामी ने। तो सनिया ने कहा था कि चलो मेरी तरफ से ये गिफ्ट हो जाएगा इब्राहिम की बर्थडे के लिए, मैं उसे यहाँ पर लेके जाती हूँ। क्योंकि इब्राहिम का ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि उसने स्विमिंग करनी है या उसने बस पानी में रहना है, और उसने पानी में खूब मस्ती करनी है, खूब इंजॉय करना है। तो हमने कहा इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो सनिया उसे ले आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर इब्राहिम ने खूब इंजॉय किया, जबकि हमारा ओरिजिनल प्लान बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही चेंज था। और खैर वो प्लान तो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो हमने कहा चलो ठीक है फिर हम यही प्लान कर लेते हैं। और यहाँ पर इब्राहिम ने इतना इंजॉय किया, मतलब इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हिज़ लाइफ। उसका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे ने खूब इंजॉय किया, और हमने पूरी कोशिश की कि जो जो चीज़ें उसे पसंद है ना, वो हम उसकी इस बर्थडे पर पूरी करें, ताकि हमारा बच्चा खुश हो जाए। गई मुझे लगा पूरी होगी, मुझे लगा ये पूरी होगी। सनिया इसलिए ना वहां पे वो इतना गहरा नहीं है,
इसने। आजो आजो आते रहो आते रहो आते रहो। अब दोबारा अंदर जाके भी दिखाना है आपने हमें, खुद से अंदर जाना है, खुद से जाके दिखाओ। हाँ इतनी सी तो बात थी। जी बेटा मजा आ रहा है। अच्छा तो गाइस ये देखो वो संगी बैठी हुई है। अरे गाइस अरे देखो वो मामा है। अरे गाइस ये देखो गाइस और देखो वो जो रात हो चुकी है ना वो आपको हमारी वीडियोस और वीडियोस देखी देखी। और गाइस वो देखो वो कितनी शाम हो चुकी है। गाइस ये देखो गाइस गाइस देखो कि हम लोग निकले हैं थोड़ा सा रॉयल पाम को एक्सप्लोर करने। स्विमिंग वगैरह कर ली थी इस बच्चे ने। अब हम निकले हैं बाहर। चलें अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमारा ओरिजिनल प्लान क्या था इब्राहिम की बर्थडे का और मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही थी वीडियो के स्टार्ट में। ये थी जी इसकी बर्थडे संडे वाले दिन, और सैटरडे को जब मैं मामा की तरफ आई ना तो मैंने मामा को आके बोला कि कल हम इस तरह करेंगे, हम ट्यूबवेल पे जाएंगे गांव में और वहां जाकर हम ट्यूबवेल चलवाएंगे और मेरे ख्याल से स्विमिंग पूल भी बना हुआ है वहां पर ना, तो हम वो चलवा लेंगे वहां पर। इब्राहिम खूब इंजॉय करेगा क्योंकि आजकल इसे स्विमिंग पूल का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो पानी में कर लेगा जो इसने इंजॉय करना है। और उसके बाद जी हम साथ कुकिंग करके ले जाएंगे, अपने साथ एक दो डिशेस बना के ले जाएंगे और हमारी एक पिकनिक टाइप हमारा एक डे गुजर जाएगा। तो मामा ने कहा था कि ठीक है बेस्ट आइडिया है हम इसी तरह कर लेंगे। तो हम लोग यही सोचकर हम नेक्स्ट डे सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे और मैं और इब्राहिम जाकर चिकन लेकर आए। खाना शाना बना घर में, हमने बनाई थी चिकन कढ़ाई और साथ चिकन पुलाव बना था, बहुत मज़े का खाना बना था। तो हमने कहा चलो अब हम ये पैक करके साथ ले जाएंगे और हम सब घर वाले जाएंगे उधर। लेकिन उस दिन जी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। जो गांव वाला ट्यूबवेल था वहाँ पर हम फ़ोन पे थे, रबते में थे वहाँ वाले भाई से, तो उन्होंने कहा जी कि उसकी कोई बेल्ट है या पता नहीं उसकी कोई मोटर है वो ख़राब हुई हुई है, अब मैं वो सही करवा रहा हूँ, तो अभी आप लोग ना आइएगा, जब सही हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हम उसका वेट करते रहे कोई 2-3 बजे तक। हाँ आई थिंक 3 बजे तक हम उसका वेट करते रहे कॉल का। फिर मामा ने कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तो सही नहीं हो रही, काम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसे सही करवाने आगे शहर वाली साइड पर आया हूँ, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा आप लोग नेक्स्ट वीकेंड आ जाइएगा या वीक में से किसी भी दिन आ जाइएगा। तो हमारा वो वाला प्लान तो भाई हो गया बिल्कुल टोटली फ्लॉप। फिर उसके बाद सनिया ने कहा चलो मैं इब्राहिम को ये गिफ्ट देती हूँ, मैं ले जाती हूँ इब्राहिम को इधर रॉयल पाम। और हमारा ये प्लान भी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इब्राहिम को इंजॉय करवाना मकसद था और उस बच्चे ने खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने भी उसके साथ खूब इंजॉय किया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक प्लान तो हमारा मतलब कैंसिल हो गया था लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा दूसरा प्लान बहुत अच्छे वाला बनवा दिया और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस दिन। सन्या उसके ऊपर बैठते हैं। ये देखो जी 3 बच्चे 3 इडियट्स बच सकती है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसके ऊपर बैठते हैं। आ जाओ
सो दिस वॉज आर फूड। स्विमिंग करने के बाद भाई बच्चों को बहुत भूख लग गई थी, बार बार इब्राहिम कह रहा था फ्राइज़ खानी है फ्राइज़ खानी है। तो बस ये था हमारा खाना। ड्रिंक्स हमें पहले सर्व हो गई थी और उसके बाद थी ये पेनी सैंडविचेस जो कि बहुत ही फुलफिलिंग थे। मतलब देखने में वो सैंडविच शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा लेकिन खाने में एक ही बड़ी मुश्किल से खाया जा रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने घर जाकर डिनर भी नहीं किया, बस यही इनफ था हमारे लिए। और उसके बाद जी महताब जॉइंड अस यहीं पर, इसी जगह पर महताब भी आगे थे लेकिन फिर महताब को कोई काम था और उनके बॉस थे उनके साथ, तो फिर वो वहीं पर रुके थोड़ी देर और हम लोग वापस घर आ गए थे। और यहाँ पर जी मैं रुकी हुई थी बड़ा सा एक तरबूज लेने। मैं तरबूज वाले भाई के पास गई, मैंने कहा आपके पास जो सबसे बड़े साइज़ का तरबूज है ना मुझे वो चाहिए, क्योंकि आगे आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलेगा कि हमने ट्रेडिशनल केक तो नहीं लिया इब्राहिम की बर्थडे के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को मीठा नहीं पसंद, केक्स वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाता। अगर आप उसकी पुरानी बर्थडे वाली वीडियो देखें ना जब वो 3 ईयर्स का हुआ था, तो तब भी उसने केक को मुँह भी नहीं लगाया था। तो हमने इस दफ़ा एक डिफरेंट आइडिया सोचा हुआ था, उसके लिए मुझे वाटरमेलन चाहिए था, तो बस मैं बड़े वाला वाटरमेलन ले लूँगी। एक बड़ा होगा, हमने एक नीचे वाला हिस्सा बनाना है, केक है ऐसे गोल, एक ऊपर छोटा बन जाएगा, ये गुलाई में प्लीज कट कटेंगे, बन जाएगा सारे फॉल। पॉपिट पॉपिट हुआ हुआ पूरे घर में, हमारे महताब ने अपनी मीटिंग से फारिग होकर हमें दोबारा से घर पे दोबारा ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ केक की तैयारी। बस आप लोग देखिएगा कि मुझे ये आइडिया आया कहाँ से। मुझे ये आइडिया एक्चुअली दिलाया ही मेरे बेटे ने था, वो यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस देखता है बड़े शौक से, तो उसमें कोई वीडियो आ रही थी तो उसने मुझे कहा मामा देखो ये केक किस तरह का है, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया। मैंने कहा वाई नॉट हम इब्राहिम की बर्थडे पे यही वाला केक बनाते हैं, एक तो इजी भी लग रहा है, मज़े का भी लग रहा है, इब्राहिम खा भी लेगा क्योंकि इब्राहिम लव्स वाटरमेलन, उसे बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाता है, और दूसरे केक को वो बिल्कुल मुंह नहीं लगाता। तो मैंने कहा चलो, बाकी हमारे घर में भी कोई ख़ास केक किसी को नहीं पसंद, कोई मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, मामा को भी नहीं पसंद, सनिया को भी नहीं था पसंद, तो मैंने कहा चलो आज हम ये वाला केक बनाते हैं। और ये था जी हमारा फर्स्ट टाइम, ये था ट्राई कर रहे थे हम इस केक को, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई और मुझे तरबूज को काटते हुए मेरे हाथ पर छुरी भी लग गई थी और बड़ा गहरा सा एक कट लगा था। खैर उस कट की तो खैर है, लेकिन फाइनली सम हाउ वी मैनेज्ड और हमने ये केक बना ही लिया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनेगा तो इससे ज़्यादा प्यारा बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि एक बार बनाने से प्रैक्टिस हो गई है हमारी। और केक देखें कितना प्यारा लग रहा है। केक वॉज सो सिंपल। आप वाटर मेलन के 2 सर्कल्स बना लें, एक सर्कल थोड़ा बड़ा और एक सर्कल थोड़ा छोटा, इनको ऊपर नीचे सेट कर लें और फिर जो जो फ्रूट्स आपको पसंद है उसकी आप डेकोरेशन कर लें। मैंने यहाँ पर पीचेस यूज़ किए थे, एप्रिकॉट थे और ये चेरी थी हमारे पास, दैट्स इट। और उसके बाद सनिया ने ऊपर थोड़ा सा जामे शीरी है, जो रू अफजा आपके पास हो आप उसको थोड़ा सा ड्रिजल कर लें ऊपर डेकोरेशन के लिए। चेक चेक कर लो, आ जा आ जा, केक चेक करो, केक बहुत अच्छा पी क्यों हो गया, वाओ। एक मिनट पापा को आने दो, पापा को आने दो, मत खाओ केक भाई जो उसने बाइट खाई है केक नहीं खाता है। गिफ्ट बता भाई, केक तो सब खाए।
चलो जी बता मुंह आगे करो, मुंह आगे करो ना, कुछ नहीं बताओ, उतारनी है जाके बस, पूरा नहीं जाएगा मुंह। अहमद को खिला, मुझे खिलाओ। सो टेल मी गाइज, कैसा लगा आप लोगों को इब्राहिम की बर्थडे का व्लॉग? माशाल्लाह से इब्राहिम 4 साल का हो गया है और उसकी ये बर्थडे काफ़ी मज़े की थी। मतलब जो जो उस बच्चे की सारी विशेज़ थी ना, वो हमने सारी पूरी करने की कोशिश की। पहले उसे आजकल स्विमिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, उसकी स्विमिंग वाली विश भी पूरी हो गई। फिर सेकेंड उसे वो जो पॉप अप जो हमने वीडियोज़ में जो हमने वीडियो में आपको दिखाया है ना कि सारे लगे हुए थे उन्हें फाड़ने पे, तो वो उसे पॉपिट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो महताब पूरा बॉक्स ही उसके लिए ले आए थे कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। और वो बहुत खुश हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ पूरा बॉक्स देखकर, क्योंकि पहले उसे ना बस एक छोटे वाला बॉक्स मिलता होता था कभी कभार, अब उसे पूरे बड़े वाला बॉक्स मिल गया था। और फिर जी थर्ड उसकी विश थी वाटरमेलन वाला केक, वाटरमेलन वाला केक भी बना दिया मैंने उसके लिए और बहुत खुश हुआ। और केक वॉज सच अ हिट, मतलब उसका एक पीस जो होता है ना, एक टुकड़ा जो होता है वो भी वेस्ट नहीं हुआ। महताब को पहले हमने इस केक वाले आइडिया का बिल्कुल नहीं बताया हुआ था और अहमद को भी नहीं पता था कि किस तरह का केक बनेगा, लेकिन जब हमने वो सारा अरेंज किया, मैंने और सनिया ने बनाया और जब हम बाहर लेकर आए ना, तो एवरीवन वाज सो सरप्राइज्ड कि मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और वेस्ट भी नहीं हुआ। और महताब सेट के दूसरे जो केक्स होते हैं उनकी, कोई सीधे मुँह क्रीम खाता है, कोई क्रीम वेस्ट करता है, कोई स्पंज खाली ढूंढ रहा होता है उसके अंदर से, तो बस उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ ना वेस्ट होती होती है, स्पेशली हमारे घर में जहाँ पर मीठा इतना नहीं पसंद सब लोगों को। तो ये केक ऐसे घर के लिए और ऐसे लोगों के लिए बेस्ट था और इसमें से कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं हुई। जो तरबूज इसके अलावा सारा बचा था वो भी सारा खाया गया था और केक भी सारे का सारा फिनिश हो गया था। तो अगर आप लोग के घर में नेक्स्ट बर्थडे होगी तो ये वाला केक लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये वाला केक वाला आइडिया कैसा लगा। और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो आई थी वो आई थी सिर्फ और सिर्फ 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़ में केक बन गया था और बच्चा खुश हो गया था और बर्थडे हो गई थी। तो आई वॉज सो हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे कि मेरा बच्चा आज बड़ा खुश हुआ है और मैंने उसकी सारी विशेज़ पूरी की हैं जितनी मैं कर सकती थी। और बस जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। मैं मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में और जितना प्यार आप लोग मेरी शॉर्ट्स पर देते हैं तो ये वाली वीडियोस पर भी उतना ही प्यार दिया कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।